रिया को लेकर ईडी से जो खबर आ रही है, ये पता चला है कि रिया सहयोग नहीं कर रही है ईडी को। जी हाँ, रिया ईडी को सहयोग नहीं कर रही है। उनसे कुछ और सवाल पूछे जाते हैं तो कुछ और जवाब देती हैं, वो सही से जवाब नहीं दे रही है। ये बात जो है मीडिया से पता चल रही है, उनको सूत्रों से पता चली कि ईडी को सहयोग नहीं कर रही है रिया। तो एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, रिया इसमें मेन एक्यूज्ड है। एफआईआर जो है पटना में दर्ज हुई थी, उसकी कॉपी जो है ईडी ने ले ली थी, और इस पूरे केस में रिया मेन एक्यूज्ड है। 15 करोड़ रुपये जो है उन्होंने सुशांत के उड़ाए हैं, ऐसा परिवार का दावा है। और अब जो है रिया जब आज ईडी पहुंचती है तो वो ईडी को सहयोग नहीं कर रही। उन्होंने पहले एक प्ली भेजी थी कि वो चाहती हैं कि कोविड और उनकी सेहत के चलते ये जो है उनका बयान दर्ज करना एक हफ्ते के लिए, कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं होती है। लेकिन उनकी उस प्ली को खारिज कर दिया गया था, और उसके बाद जो है आज वो पहुंची और उनके वकील की तरफ से स्टेटमेंट इशू किया गया कि वो जो है भारत की नागरिक है, कानून का वो पालन करेंगी और इसीलिए वो पहुंची है। अब जो है ये सुनने में आ रहा है कि रिया जो है ईडी को बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही, वो किसी भी तरीके के जो है सही सही जवाब नहीं दे पा रही हैं, और ईडी जो है उनके रवैये से बहुत ज़्यादा नाराज है। मैं आपको याद दिला दूँ, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने एक बात कही थी कि अगर रिया कॉपरेट नहीं करेंगी और ईडी को लगता है कि वो झूठ बोल रही है तो आज ही उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ऐसे में अगर रिया कॉपरेट नहीं करेगी तो हो सकता है कि उनकी अरेस्ट भी हो जाए, पर ये बात तो साफ समझ में आ रही है कि वो जो है ईडी को कॉपरेट नहीं कर रही है और कुछ भी डिटेल्स देने को तैयार नहीं है।